बनाने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हैं, सबसे पहले तो मैंने घी को गर्म करने के लिए रख दिया है। अब हम इसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे। जैसे ही जीरा क्रैकल होगा, साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 छोटा प्याज और 2 से 3 लहसुन फाइनली चॉप किए हुए, और इसे अब हम अच्छी तरह धीमी आंच पर भून लेंगे। और एक बार ये सारे इंग्रेडिएंट्स को भून लेते हैं, प्याज और लहसुन हल्के हल्के से भुने गए हैं। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डालूंगी, ये भी मैंने 1 चम्मच लिया है, और इसे भी 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह प्याज के साथ भून लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा नहीं भूनना। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच देगी मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, और साथ में डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर। और ये सारे इंग्रेडिएंट्स को आपस में अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं, और 1 सेकेंड के लिए दोबारा मसालों को प्याज के साथ भून लेंगे। हमने अच्छी तरह भून लिया है, अब हम इसमें 1 फाइनली चॉप किया हुआ टमाटर डालेंगे, और इसे एक बारी अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। और गैस की फ्लेम को अब लो करके मसाले को 1 से 2 मिनट के लिए धीमी आंच पर भूनेंगे, और साथ ही मैं अब कढ़ाई की लिड लगा रही हूँ, और इसे अब हम धीमी आंच पर भूनते हैं 1 से 2 मिनट के लिए। 1 मिनट हो गया है मसाले को भूनते हुए, अब हम एक बारी लिड उतार के चेक करते हैं। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा सा मसाले ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। इस स्टेज पे हम 1 कड़छी पानी की मिलाएंगे, और इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं, और दोबारा कढ़ाई की लिड लगाकर मसालों को 1 से 2 मिनट के लिए दोबारा भूनेंगे। ये 2 से 3 मिनट हो गए हैं, एक बारी चेक करते हैं। मसाला भी देखिए बढ़िया तरीके से भुना जा चुका है। इस स्टेज पे हम घिया डालेंगे। मैंने 1 घिया लिया है, और इसे मैंने काट के अच्छी तरह वॉश कर लिया है, और इसे अब हम इसमें डालकर और मसाले के साथ 5 से 7 मिनट के लिए धीमी आंच पर ही भूनेंगे। मिनट हो गए हैं, एक बारी लिड को उतार के और चेक करके देखते हैं। और इस स्टेज पे अब हम दाल और चावल जो मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रखे थे उसे हम डालेंगे। ये मैंने 1 छोटी कटोरी चावल लिए हैं, और आधा कटोरी येलो वाली मूंगी दाल ली है, इसे भी अब हम इसमें डाल देंगे। इस स्टेज में अब हम दाल और चावल को डाल देते हैं इसमें, और साथ में अब हम डाल देते हैं 2 कटोरी पानी और एक बारी इसे अच्छी तरह मिक्स करके 10 से 15 मिनट के लिए दोबारा ढक देते हैं। अगर आप ये प्रोसीजर को कुकर में बनाना चाहते हैं तो विद इन 10 मिनट्स आपकी घीये वाली खिचड़ी बनकर तैयार हो जाएगी। सबसे पहले तो आप जब घिया पकाएंगे उसे 1 विसल दीजिए, और दोबारा जब चावल डालेंगे तो उसे 1 विसल और दीजिए, और आपकी घीये वाली खिचड़ी तैयार हो जाएगी। पर मैं इसे कढ़ाई में बना रही हूँ तो 10 से 15 मिनट और लगेंगे। और लिड को मैंने लगा दिया है, गैस की फ्लेम को मैंने लो कर दिया है, तो चलिए 10 से 15 मिनट बाद चेक करते हैं। मिनट हो गए हैं, एक बारी दोबारा हम लिड को हटाकर देखते हैं, और ये देखिए खिचड़ी का कलर कितना बढ़िया आया है। और सिर्फ 5 से 7 मिनट और हमारी खिचड़ी
ये वाली बनकर तैयार हो जाएगी।